राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल मध्य प्रदेश में पेसा कानून की नियमावली को जारी किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश यह कानून लागू करने वाला सातवां राज्य बन गया है। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम का मध्य प्रदेश का यह पहला दौरा है। वह शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस और भोपाल में महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि जनजातीय गौरव दिवस पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूं। मैं यहां से पहले भगवान मुंडा के गांव जाने का सौभाग्य मिला और उनकी जयंती पर उनकी प्रतिमा का दर्शन कर मैं भाग्यशाली महसूस कर रही हूं। राष्ट्रपति के रूप में मध्य प्रदेश की पहली यात्रा में इतनी बड़ी संख्या भाई बहनों को देखकर मैं बहुत खुश हूं। यहां ज़्यादातर लोग हमारी जनजातीय समुदाय के हैं और ये मेरे प्रति उनके विशेष स्नेह और उत्साह का परिचय देता है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे देश में जनजातीय आबादी की संख्या 10 करोड़ है, 1.5 करोड़ से अधिक मध्य प्रदेश में है और यह किसी भी राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी रहती है।